गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर अमूल स्पेज। गुड आफ्टरनून, पहले सब लोग ज्वाइन हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज विहांग त्रिवेदी एंड आई एम फ्रॉम बड़ोदरा गुजरात। आज की हमारी रेसिपी है गुजरात स्पेशल ग्रीन उंधियू। हमारे गुजरात में ग्रीन उंधियू इसीलिए फेमस है कि सूरत साइड पे जो भी सूरत एरिया है हमारे गुजरात में साउथ वेस्ट, वहां पे सूरत में ग्रीन उंधियू बनता है। काठियावाड़ी जो लोग है वहां पे बिल्कुल रेड ग्रेवी उंधियू बनता है। तो हम लोग आज ग्रीन उंधियू बनाने वाले, बहुत ही सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल उंधियू बनाएंगे। हम लोग उसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया, ये एक फेमस मसाला है, ये ग्रीन उंधियू के लिए यूज होता है। इसके अंदर हमने कोरिएंडर, ग्रीन गार्लिक, फिर इसके अंदर सिंगदाना, तल, फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक, ग्रीन चिली एंड अदरक डाल के इसे क्रश करके रखा है। ये ग्रीन ग्रेवी के अंदर यूज होता है। ये है ग्रीन गार्लिक, जीशान अंजुम, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हेलो, सॉरी मैं फॉरगॉट हो गया था, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024। हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच करते हैं, डेली देखते हैं, अमूल की पूरी टीम, सबको हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था उसके लिए, हैप्पी न्यू ईयर सबको। अभी हम लोग रेसिपी की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये ग्रीन गार्लिक, मैंने इसके अंदर गार्लिक का प्रिकॉशन थोड़ा ज्यादा रखा है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 100 ग्राम इतना ही यूज किया है। यहाँ पे जो डोली रिंगन बोलते हैं ग्रीन वाले, वो यूज किया है, पोटेटो ऐसे बड़े स्लाइस में, एंड शकरकंद जो हम स्वीट पोटेटो बोलते हैं वो, ये तीन मैंने पानी में भिगो के रखा है। हम इसे फ्राई करने वाले हैं। ये जो पर्पल याम बोला जाता है, रतालू या कंद भी, कई लोग इसे कंद भी बोलते हैं, पर हम लोग यहाँ पे रतालू बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पर्पल याम बोला जाता है। इसे हमें नमक के पानी में भिगो के रखना है ताकि इससे हमें कोई भी एलर्जी वगैरह ना हो, एंड फ्राई करे तब भी हाथ में ऐसे खुजाल वगैरह कुछ ना आए। ये है सूरन, ये नॉर्मल जो याम आता है वो, इसे भी मैंने सॉल्ट के पानी में भिगो के रखा है। मीना शर्मा मैम, हेलो। ये है हमारे गुजरात फेमस उंधिया में डाले जाते हैं मुठिया, इसे हम लोग ऐसे राउंड में फ्राई करके बनाते हैं। इसके अंदर मेथी रहती है, फिर एक बाउल आपको गेहूं का थोड़ा सा मोटा वाला जो आटा आता है वो लेना है आपको, फिर इसके अंदर बेसन एंड थोड़ा सा जो ढोकले का आटा आता है वो ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, फिर आदू मिर्ची की पेस्ट, सॉल्ट एंड थोड़ा सा बेसिक मसाला ऐड करके हम ये मुठिया बनाते हैं। एकदम खाने में भी टेस्टी रहता है, एकदम बहुत ही, इससे उंधिया का फेमस, इससे ही उंधिया फेमस है, ये उंधिया के लिए सबसे स्पेशल चीज है। आज हमारा लाइव सेशन है तो इसके अंदर अभी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैंने ये रेडी करके रखा है। अगर किसी को इसकी प्रॉपर रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरी FB आईडी या इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या DM करके मुझे रेसिपी ले सकते हैं। ये जो पापड़ी आती है, सुरती पापड़ी जिसे बोलते हैं, छोटी वाली, ये हमने साफ करके ली है 250 ग्राम्स, एंड तुअर के जो दाने आते हैं ग्रीन तुअर, उसके हमने लिए हैं दाने लगभग 100 ग्राम्स, एंड 250 ग्राम पापड़ी ली है। फिर इसके अंदर मसाले बहुत ही बेसिक रहता है, पहले सॉल्ट, हींग, फिर तल, अजमा जो अजवाइन बोलते हैं हम लोग वो, ये होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी अगर चाहिए तो कोई DM कर सकता है। यहाँ पे सुगर, एंड ये ग्राउंडनट ऑयल में बनता है, जो इससे हम लोग शिंग तेल बोलते हैं, उसमें ये उंधियू बनता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पहले अभी हम लोग वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे, तो ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। और ये ऑयल जिसमें मैंने मुठिया फ्राई किया था वही ऑयल मैंने रहने दिया है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो फ्लेवर्स है वो इसके अंदर रहते हैं, तो ये ऑयल में ही हम लोग सारे वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे ताकि वेजिटेबल्स भी एकदम फ्लेवरफुल हो जाए। किसी को कोई भी रेसिपी, मसाला या मुठिया में कोई भी क्वेरी हो तो वो मैसेज कमेंट कर सकता है, उससे मैं अभी रिप्लाई दे दूंगा। हमारा ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक,
आप लोग सेम प्रोसेस, आप लोग सेम प्रोसेस रेड रेड ग्रेवी में भी कर सकते हो, बस इसके अंदर हमें थोड़े से मसाले में चेंजेस करना है, रेड चिली पाउडर एंड वगैरह थोड़ा सा ज्यादा यूज करना है। तो सेम इसी तरीके से रेड ग्रेवी उंधियू भी आप लोग घर पे इजीली रेडी कर सकते हो। अभी हम लोग ग्रीन बना रहे हैं, तो रेड भी आप लोग ट्राई करके इसी मेथड से आपको ट्राई करना है, बस इसके अंदर थोड़े से मसाले ज्यादा ऐड करना है एंड इसके अंदर गार्लिक वगैरह की फ्लेवर थोड़ी सी कम कर देनी है एंड रेड चिली की फ्लेवर थोड़ी बढ़ा देनी है, बस इतना ही है और कुछ रहता नहीं है। अभी हमारा तेल जब गर्म होने लगे तब हम लोग पहले पटेटो एंड बैंगन को फ्राई करेंगे। वैसे तो इसे हम लोग प्रेशर कुक में भी बना सकते हैं, पर ऐसे बनाएंगे तो झटपट भी बन जाएगा एंड बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भी, इसका टेस्ट भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा, तो वैसे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले हम लोग ब्रिंजल फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसको फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये मैंने ग्रीन वाले जो छोटे ब्रिंजल आते हैं रवैया के वो लिए हैं, आप लोग सादे जो हमारे ब्राउन या ब्लैक या फिर पर्पल आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। इसे 2-3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। फिर ये एकदम फटाफट इसकी ग्रेवी रेडी हो जाती है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। दो तीन मिनट में ये इजीली फ्राई हो जाते हैं। तब तक हम लोग ये पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है इसे ऐसे हम लोग ड्राई कर लेंगे ताकि जो पानी के छींटे होते हैं वो हमारे तेल के अंदर ना उड़े, ताकि जो पानी के बबल्स उड़ेंगे वो नहीं उड़ेंगे, इससे हमें कोई टेंशन की बात भी नहीं होगी, जैसे हाथ वगैरह जल जाए या कुछ भी वो नहीं होगा। बस इसे हम लोग ऐसे ड्राई कर लेंगे। बस ये 2-3 मिनट में ब्रिंजल फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग पटेटो ऐड करेंगे। बस अभी इसका कलर चेंज होने लगा है, देखो ब्राउन सा थोड़ा आने लगा है, तो अभी ये 1 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। बस अभी एकदम कुरकुरे हो गए, तो अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अभी हम लोग पटेटो एंड स्वीट पटेटो ऐड करेंगे। Thank you.
ये भी 3-4 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। अभी हम लोग इसे जैसे ये एकदम रिंगन एकदम जो हमारे ये रिंगन बोलते हैं, ये भी एकदम सॉफ्ट हो गए फ्राई होके। अभी सेम तरह से हम लोग इसे भी फ्राई कर लेंगे। अभी ये इसकी एजेस जो है ब्राउन होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये अभी हम लोग इसे 2-3 मिनट फ्राई 2 मिनट फ्राई करके फिर निकाल लेंगे। बस अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे, इतना ब्राउन ही हमें इसे करना है। अभी जो सूरन याम है उसे भी डाल देंगे, एंड ये हमारे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो की दूसरी बैच भी हम लोग ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 पोटैटोज लिए हैं, 2 छोटे वाले जो हमारे स्वीट पोटैटो आए वो यूज किए हैं। बस अभी हम लोग ये भी सूरन जिसे हम लोग सूरन बोलते हैं याम, वो भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। 2-1 मिनट में तो ये फ्राई हो जाता है, क्योंकि हमें इसे बाद में भी पकाना है उसकी वजह से। ये तो सिर्फ एक फ्लेवर के लिए हम लोग इसे फ्राई कर रहे हैं, ताकि इसे एक अच्छी फ्लेवर आती है। अभी हम लोग जो भी चीज़ें हमने फ्राई की है वो चीज़ों में हम लोग ये हमारा ग्रीन मसाला जो हमने बनाया है वो लगा देंगे, ताकि इसके अंदर जो गरम गरम में अच्छी एक फ्लेवर है वो इसके अंदर एक बैठ जाए, ताकि इसे गरम गरम में हम इसे कोट कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस उंधिया में हम लोग रवैया भर के करते हैं। छोटे छोटे बेबी पटेटो, बेबी ब्रिंजल, वो सब यूज करके हम लोग इससे रवैया भरते हैं। बट ये एकदम इजी मेथड है कि फ्राई करके आपको सिर्फ इसके ऊपर मसाला कोट करना है, एंड फिर इसे हम लोग फिर ऐड कर देंगे। बस अभी ये भी सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये भी हम लोग निकाल देंगे। अभी हम लोग
जो पर्पल याम है उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है तो इसे थोड़ा एक एक करके डालेंगे क्योंकि ये स्टिकी रहता है। इसे भी हम लोग कॉटन में थोड़ा सा स्मूथ करके फिर ऐड करेंगे ताकि छीटे थोड़े कम हो जाए। बट इसके छीटे तो वैसे भी थोड़ा डर रहता है इसके छीटों का। ये भी 2-1 मिनट में फ्राई अच्छे से हो जाता है। ये ऐसे इसका कलर चेंज हो जाए तब हम समझ सकते हैं कि ये फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग इसे 1 मिनट के अंदर निकाल देंगे। अभी हम लोग गैस ऑफ कर लेंगे एंड जो भी चीजें हमारी फ्राई हो चुकी हैं उतनी चीजों पे हम लोग मसाला डाल के इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 3 से 4 चम्मच इतना बड़े चम्मच मसाला हमें इसी के अंदर ऐड करना है एंड इसे रेस्ट के लिए छोड़ना है 2 से 4 मिनट। अभी हम लोग इसके लिए हम लोग आज उंधिया मिट्टी के पैन में बनाने वाले हैं ताकि फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आ जाए। इसे अच्छे से हम लोग गर्म होने देंगे। इसमें से अभी धुआं निकलने लगा है तो इसके अंदर हम लोग थोड़े से पानी के छींटे मार देंगे। बस अभी हम लोग इसके अंदर गैस की फ्लेम स्लो करके ऑयल ऐड करेंगे। लगभग ऑयल थोड़ा हमें इसमें ज्यादा रखना है।
लगभग हम इसे पौना कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल रखेंगे इसके अंदर हम लोग, पौना कप जितना हमें ऑयल रखना है। इससे उंधियू बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। थोड़ा सा हम फ्राई किया ऑयल भी, फ्राई किया हुआ ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर आ जाए। एंड सारी पूरा मिट्टी का जो बर्तन है उसे तेल से हम लोग कोट कर लेंगे। अभी हम लोग गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जो है चुटकी अजमा डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जितना अजवाइन ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद जब अजमा थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद तेल ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग तिल ऐड कर देंगे। ये विंटर स्पेशल रेसिपीज है, विंटर में ये रेसिपीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। अभी तिल और वो गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसके अंदर हींग ऐड करेंगे। एक चम्मच जितनी हींग ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से हम लोग गर्म होने देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच जितना हमारा जो ये ग्रीन मसाला है वो ऐड करेंगे एंड उसके बाद हमारी जो सूरती पापड़ी है वो ऐड करेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी गैस की फ्लेम फास्ट करेंगे एंड 1 से 2 चम्मच जितना हम लोग ये ऐड करेंगे। इसकी अभी अच्छे से एक फ्लेवर आ चुकी है। अभी हम लोग इसके अंदर गैस की फ्लेम स्लो करके ये जो हमारी पापड़ी है वो ऐड करेंगे। पूरा बाउल ऐड कर देंगे। एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। फिर जो है सारे मसाले हम लोग ऐड करेंगे। जो हमने फ्राई किए हुए हैं सारे वेजिटेबल्स वो हम लोग ऐड करेंगे एक एक करके। इसकी हमें लेयरिंग ऐड करनी है। जो मुठिया है हमारे प्रिपेयर्ड प्री प्रिपेयर्ड जो मुठिया हमने प्रिपेयर करके रखे वो हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। अभी इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। उंधियू के बहुत सारे प्रकार है। अभी मैं आपको डिटेल में इसके जो जितने भी वो है वो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जितना गरम गरम मसाला होममेड, 1 चम्मच जितनी हम लोग शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमारे मुठिया के अंदर भी सॉल्ट है एंड थोड़ा सा मैंने मसाला में भी ऐड किया था तो सॉल्ट उस हिसाब से ऐड करेंगे। 1 चम्मच जितना, 1 बड़ी चम्मच जितना सॉल्ट ऐड करेंगे एंड 1 बड़ा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे।
आप पानी अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी ऐड कर सकते हो। और अभी हम लोग गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे एंड सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच जितना हम लोग अपना ग्रीन मसाला ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक ऐड कर देंगे। एंड इसे अच्छे से कुक होने देंगे। अभी हम लोग इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे ढक के फुल गैस पर। दो मिनट के बाद हम लोग इसे चेक कर लेंगे। ये 5 मिनट में तो जो है अभी 5 से 6 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। हमारे यहाँ उंधियों को जो हम लोग मटके के अंदर बनाते हैं वो अभी बहुत ट्रेंड में है। मटका उंधियों जिसे गुजराती में उंबाड़ियों बोलते हैं, वो भी सेम हम लोग घर पे इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। पर उसके अंदर वेजिटेबल्स कोई भी कुक नहीं करना रहता है, सारे रॉ वेजिटेबल्स हल्दी नमक उसके अंदर कोट करके फिर ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व किया जाता है। वो भी एक बहुत ही अभी ट्रेंडिंग रेसिपी है, वो भी हम लोग अभी देखते हैं कि वो ट्रेंड में है, वो भी हम लोग बना के घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत फ्लेवरफुल रेसिपी है, बट ये तो बहुत ही इजी एंड होममेड है। अगर इसके लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में कर सकते हैं। हम लोग Q&A सेशन अभी रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, जिसके आप अपने क्वेश्चन बताएं, मैं हमारा आंसर जो भी होगा वो मैं आपको आप तक जरूर ट्राई करूंगा। एंड बाद में भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे DM कर सकता है मेरी फेसबुक ID पे विहांग त्रिवेदी एंड इंस्टा ID भी विहांग त्रिवेदी 31 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अभी हम लोग इसे 2-5 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे और फिर हमारे जो मुठिया है वो ऐड करके इसे 5 मिनट कुक होने देंगे। उसके बाद हमारा जो उंधिया है वो रेडी हो जाएगा।
बस अभी हम लोग 2-1 मिनट के अंदर इसके अंदर मुठिया ऐड कर देंगे। इसका जो सारा भी पानी है वो सोख हो जाए तब लोग हम इसके अंदर मुठिया ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर मुठिया ऐड करेंगे। अभी हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी थोड़ा सा जो है अभी है वो अच्छे से घुल जाए तब तक हम लोग इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट। उसके बाद हमारा उंधियू रेडी है। ये अभी अच्छे से इसका पानी जो है अच्छे से स्टीम हो चुका है तो ये अभी हमारा जो उंधियू है वो रेडी है। इसे हम लोग सर्व कर लेंगे। 1-1.5 मिनट में हम लोग इसे सर्व कर लेंगे। बस जो अभी आप देख सकते हो कि किनारे किनारे पे जो पानी है बस वही है, बाकी का सारा पानी जो है वो बर्न हो चुका है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए तब हमारा जो है उंधियू बिल्कुल ग्रेवी अच्छे से ग्रेवीदार लगेगा। बस ये अभी ये रेडी है। अभी हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड इसे सर्विंग के लिए हम लोग निकाल लेंगे। सर्विंग बाउल ले लेंगे हम लोग। आप देख सकते हो सारे वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से जो है हमें दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। इसे हम लोग ग्रीन गार्लिक से गार्निश कर देंगे। अभी हमारा ग्रीन गुजरात स्पेशल ग्रीन उंधियू, इसे हम लोग थोड़ी सी चाहे तो सेव के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। इसके साथ जलेबी, श्रीखंड, पूरी कुछ भी आप लोग सर्व कर सकते हो। बट ये अभी जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये आप लोग मॉर्निंग में, फिर लंच के टाइम, डिनर के टाइम कभी भी आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हो। विंटर में तो ऑल सीजन विंटर में चलता है, किसी भी टाइम पे बनाओ ये एकदम फेवरेट ही रहेगा सबका। ये अभी जो है हमारा रेडी है ग्रीन उंधियू। इसके लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ये हमारा रेसिपी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो जरूर से बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ये हमारा स्पेशल ग्रीन उंधियू रेडी है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू अमूल एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।